हाय एवरीवन, आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा। सो बच्चे, आज हम लोग बात करते हैं उन ब्लंडर्स की जो आप नीट की तैयारी करते समय करते हो। हमें पता है, और स्पेशली ये चीज़ ड्रॉपर्स के लिए, भाई वही सिलेबस बार बार पढ़ के, चाहे फिजिक्स का है, चाहे केमिस्ट्री का है, चाहे बायो का सिलेबस है, हमारे माइंड में ना कुछ एक चीज़ें आ जाती हैं। हमें लगता है हमें ये तो आता है, उसको अच्छे से रिवाइज करने का मन भी नहीं करता। आई एम प्रिटी श्योर जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि यस मैम, कई बार ऐसा हो जाता है कि बार बार सेम चीज़ें डिस्कस करते करते पढ़ते पढ़ते उनसे इंटरेस्ट चला जाता है, पढ़ तो नहीं पाते, ऐसा लगता है सब कुछ आता है लेकिन एमसीक्यू गलत हो जाते हैं। एक जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत हमें आती है प्रिपरेशन करते टाइम, वो ये है कि हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस को इग्नोर कर देते हैं। राइट, अपने बनाए हुए नोट्स को रिवाइज करने की बजाय दूसरे नोट्स पे फोकस कर लेते हैं कि चल नया टॉपिक पढ़ लूँ, इंटरेस्ट आ जाता है। सो ये गलतियाँ मैंने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में की हैं, मैंने बाकी बच्चों को भी देखा है ऐसी गलतियाँ करते हुए। सो बच्चे, यहाँ पे तुम लोगों के लिए एक सजेशन रहेगा। सबसे पहली बात है स्टिक टू अ रूटीन। एक रूटीन को फॉलो करो और उस रूटीन से चिपके रहो। राइट, एक टाइम टेबल सेट करो, जितना हो सके उसको फॉलो करने की कोशिश करो। अगर आप उसका 70% भी फॉलो करते हैं, बस आपने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। सो एक प्रॉपर रूटीन बनाना शुरू करो। अगर रूटीन बिगड़ी हुई है, स्टिल यू हैव द टाइम, यू हैव 3 months, तुम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आप लोगों को करनी है वो क्या है बच्चे, ये जो दिमाग में ख्याल आता है कि ये टॉपिक मैंने पहले किया है, मुझे सब आता है, तो आप जब भी रिवाइज करते हो उसको कभी भी ध्यान से नहीं पढ़ते। बच्चे, आपको यही चीज़ को ओवरकम करना है। जब भी रिवाइज करने किसी भी चैप्टर को बैठो, एनसीईआरटी ओपन करो, एक नए तरीके से उन चीज़ों को रिवाइज करो जिनको आपने अंडरलाइन कर लिया है। इस समय पर कोई भी और नोट्स, कोई भी और स्ट्रैटेजी फॉलो मत करो। जो आपका बेस्ट टाइम टेबल है, जब आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव है, कोशिश करो टाइम पर सोने की और जल्दी उठने की, और उस तरह से अपने दिन को मैनेज करो। राइट बच्चे, और जितना हो सके आफ्टर रिवाइजिंग द थिंग्स एमसीक्यू उसको रिवाइज करो। अदरवाइज बच्चे, जो 1 साल की या 2 साल की पूरी मेहनत है ना, इन 3 महीने में अगर हमने टाइम यूटिलाइज नहीं किया तो हम डेफिनेटली उस सारी की सारी चीज़ों को खो देंगे। सो जितने पेशेंस आपने इन 2 सालों में रखे हैं या इन 3 सालों में रखे हैं, उतने पेशेंस रखिए और अपनी रिवीजन को बिल्कुल ट्रैक पर ले आइए। एंड बाकी हम तो हैं ही। थैंक यू।